पूरा एक साल लगा पानीपत को यह बताने में कि पानीपत में भी कोई शूटिंग एकेडमी है। पूरे हरियाणा की ये पहली एकेडमी है, द्रोणाचार्य एकेडमी। मैं इसी द्रोणाचार्य एकेडमी के बाहर खड़ा हूँ और इसका संचालन जो करते हैं वो आर्मी से हैं। 15 साल 2 महीने की नौकरी के बाद उन्होंने ये एकेडमी खोली और एक साल लग गया उन्हें ये बताने के लिए कि हरियाणा में भी कोई एकेडमी है और ये हरियाणा की पहली एकेडमी है, शूटिंग एकेडमी। और बाकी की बातें, बाकी की जानकारी यहाँ के जो संचालक हैं उनसे ही पूछेंगे। तो ये है वो हरियाणा की पहली शूटिंग रेंज और साथ ही खड़े हैं इस शूटिंग रेंज के संचालक और यहाँ पर कोच जसबीर सिंह जी, बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो अपनी एक जर्नी बताइए, कब से आपने शुरुआत की थी और कैसे आपका आर्मी का जीवन रहा, वहाँ से कब आए आप, कब आपके दिमाग में ये चीज़ आई, कब आपको रुचि इसमें जागी कि मुझे ये युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जो कि हरियाणा में अब तक नहीं था। सर मैं 95 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया था, उस टाइम मैंने शूटिंग करी, शूटिंग में मेडल लेके आया। उसके बाद फिर अलग अलग पोस्टिंग मिलती रही, फिर 2010 से और 2012 तक मैं आर्मी का कोच रहा हूँ। फिर वहाँ पे देखा मैंने कि ये गेम तो कहीं भी है नहीं सिविल में और ओलंपिक इवेंट है ये, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यहाँ पानीपत में स्टार्ट किया जाए। तो तब मेरे दिमाग में प्लान आया कि यहाँ के बच्चे भी आगे जा सकते हैं और उस टाइम 2012 में हमने स्टार्ट कर दिया थे। तो बच्चे आगे गए आपकी एकेडमी से? सर हमारी एकेडमी से जूनियर वर्ल्ड कप में गुरमीत का गोल्ड मेडल है, एशियन एयरगन में सत्यजीत का 10 मीटर राइफल में गोल्ड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बच्चा यहाँ से खेल के आया है और 200+ बच्चे यहाँ से आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आगे अब क्या आपकी इस खेल को लेकर और अपनी इस एकेडमी को लेकर क्या नीतियाँ हैं, किस तरह से आप इसका और आगे बड़े रूप में संचालन करना चाहेंगे? सर एक तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको अच्छा मोटिवेशन किया जाता है, उनको योगा क्लास भी है तो नॉर्मल एक्सरसाइज भी है और फिर शूटिंग कराई जाती है। और हमारी जो एकेडमी का मिशन है वो है ओलंपिक, हम भी ये चाहते हैं कि इस एकेडमी से, पानीपत से कोई बच्चा ओलंपिक में जाए, मेडल लेके आए, देश का नाम रोशन करे, शहर का नाम रोशन करे, अपनी एकेडमी का करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो जैसे मैं ये देख रहा हूँ, जैसे कि हमें बड़ी एकेडमीज़ में या बाहर देखने को मिलता है, तो इस तरह का सेटअप तैयार करने में चाहे वो महंगा एक पड़ता होगा शायद, तो खर्चा कितना आ जाता होगा? सर सेटअप लगाने में तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं। काफ़ी खर्चा आ जाता है। हाँ जी, लेकिन हमने जो बच्चे की फ़ीस है वो इस तरह से रखी हुई है ताकि बच्चा और पेरेंट्स अफोर्ड कर सके। जो हमारी एकेडमी की एडमिशन फ़ीस है वो 5,000 रुपये है और पर मंथ 4,000 रुपये। यही फ़ीस अगर आप लेके जाओगे अलग शहर में तो 15,000 से कम कोई फ़ीस नहीं लेगा। तो किस उम्र तक के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं? सर 8 साल से और अब वो जितना भी हो, उसके लिए एज लिमिट नहीं है कोई, लेकिन 8 साल से ऊपर होना चाहिए। कोई शौकिया तौर पर भी आके कर सकता है? हाँ कर सकता है शौकिया तौर। आप मुझे एक बार वो गोली दिखाइए जो इसमें इस्तेमाल होती है, क्या वो खतरा मतलब किसी के लिए पैदा कर सकती है? नहीं सर, ये 0.177 के पैलेट्स बोलते हैं इनको, बहुत ही छोटा होता है ये और आगे लगने के बाद ख़त्म हो जाता है ये। अच्छा, तो आगे लगने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। आपकी इस अकेडमी से अब तक कितने बच्चे खेल चुके हैं और कितने बच्चे मेडल लेके आ चुके हैं? इंटरनेशनल में हमारी अकेडमी के 12 मेडल हैं जिसमें टीम इवेंट भी है और सिंगल भी है। नेशनल में हमारे एकेडमी के 28 मेडल हैं और कम से कम 3,000 बच्चे प्लस यहाँ से नेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो जब खिलाड़ियों के मेडल आ जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या सहायता करती है खिलाड़ियों के लिए? जैसे सर अलग अलग इवेंट में गवर्नमेंट के अलग अलग कैश अवार्ड है, जैसे ओलंपिक में गोल्ड में 7 करोड़ है, सिल्वर पे 4 करोड़ है और ब्रॉन्ज पे 3 करोड़ है। और जैसे जिस बच्चे का नेशनल लेवल पे मेडल आता है तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब देती है, और अब तो गवर्नमेंट नई पॉलिसी निकालती है जो बच्चा लगातार 3 साल नेशनल पार्टिसिपेट करे तो हम उसको भी जॉब देंगे।
और जैसे कॉमनवेल्थ में है और ऐसे वर्ल्ड कप में है। तो अभी तक आपकी अकेडमी से कितने खिलाड़ी इस चीज़ का, इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं? सर हमारी अकेडमी के जो नेशनल मेडलिस्ट थे उनको भी जॉब मिल चुकी है अभी तक, और जो आर्मी में जाना चाहते थे बोला हम यहाँ करें आर्मी में, तो तकरीबन 250 प्लस बच्चे आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं। तो रिजल्ट अच्छा है? बहुत अच्छा है सर। तो ये अकेडमी है पानीपत में, आप अगर इच्छुक हों तो ज़रूर आएँ यहाँ पर, हरियाणा की सबसे पहली अकेडमी है और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा सुनने में आ रहा है, तो ज़रूर ज्वाइन करें अकेडमी को और खेलें शूटिंग का ये खेल। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, धन्यवाद।